नमस्कार, मैं हूं अखिलेश तिवारी, आप देख रहे हैं kaimurnews.com। आज यहां मैं रामगढ़ में उपस्थित हूं, ये दुर्गा मंदिर है। मैं दिखाना चाहूंगा यहां तमाम जो युवा है, वो युवा जो है कि यहां पे लिए हुए हैं योगी मोदी मुर्दाबाद, ये तमाम यहां जो दिख रहे हैं सारे युवा हैं। और इन लोगों का मांग है, क्या मांग है और किस उद्देश्य से इन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला हुआ है, सीधे मैं बात करूंगा। हमारे पास अभी ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये रामगढ़ का जो है कि दुर्गा मंदिर है, ये चौक है, यहाँ तमाम जो है कि भीड़ भाड़ रहता है। और यहाँ पर हमारे ये रामगढ़ और नुआव साथ ही अन्य प्रखंड के भी युवा यहाँ उपस्थित है। जी बताए, आप लोग का ये कैंडल मार्च निकालने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि जो लखीमपुर खीरी में घटना हुआ है किसानों के साथ, जो पूरे बहुत दर्दनाक हादसा है, ये ऐसा कहीं नहीं शर्मनाक घटना है, होना चाहिए। और क्या लगता है सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? सरकार इस पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही है। जो सीधे आरोपी है उसको सीधे फांसी दिया जाए। नहीं, किसान भाई लोग चाहते हैं, हम किसानों के हित में निकाले हैं, छात्र हम लोग सभी लोग चाहते हैं, सभी भाई छात्र हैं। मेरा नाम जीवी कॉलेज। अभी ये जो आप बैनर योगी तेरी खाना सारी नहीं चलेगी, क्या लग रहा है योगी को लेकर के? आप लोग आदित्यनाथ योगी को लेकर के आप लोग देखिए सर, हम लोग लोहिया की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान पड़ जाए तो महिला की संसद आवारा हो जाए। सर, 3 अक्टूबर की घटना जो है किसानों के साथ, ये 70 साल के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। आज जिस प्रकार से सत्ता के लोभ में, सत्ता के पागलपन में आशीष मिश्रा कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा, किसान जो कि अपने शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि हमारे तीनों कृषि कानून को वापस किया जाए, लेकिन उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ये भाजपा के लोग, ये योगी मोदी सरकार की तानाशाही वाले जो लोग हैं, जो कि जिनकी नीति हमेशा से रही है कि ठोको और गरीबों को परेशान करो, सर इन्होंने किसानों को सर रौन दिया। सर वहाँ 9 किसान मारे गए, लेकिन आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। सर अगर कोई आम जनता होती है, कुछ कार्य करती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है वो सबके लिए बराबर का अधिकार दिया है। सर गरीबों को परेशान कर दिया गया, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा होने के कारण ही उसे 2 दिन तक पुलिस की कस्टडी नहीं लिया गया। और सर सुप्रीम कोर्ट के जब दखलंदाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मानवाधिकार जब सबके लिए बराबर होता है तो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के तहत सबको मौलिक अधिकार है, हमें राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें आर्टिकल हमें अधिकार देते हैं। सर ये मोदी सरकार संरक्षण दी है और हम लोग सब छात्र हैं, छात्र यहाँ हम लोग किसान के बेटे हैं, तो सर हमें वो कष्ट मालूम है कि हमारे माता पिता किसानी में कितना रुपया कमा पाते हैं, कितने कष्ट में पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोग आज सड़क पे आए हुए हैं, उतरे हुए हैं। यही हम लोग की मांग है कि गिरफ्तारी की जाए और कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनके गिरफ्तार किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए। और हम सभी छात्र यही मांग करते हैं कि आशीष मिश्रा जहाँ कहीं भी जेल में है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि देश में लोकतंत्र बचा रहे। और ये जुल्मी सरकार के जो गुंडे हैं उन्हें हमेशा याद रहे कि जब जब तुम किसानों मजदूरों को परेशान करोगे तब तक हमारे आंदोलन में परेशान करते। क्या लग रहा है कि इसमें जो पुलिस की कार्रवाई वो क्या हो रही है? कार्रवाई एकदम नहीं हो रही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात रखा कि भैया आप लोग योगी सरकार आप अच्छे से पुलिस व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं, तब सर जाके योगी सरकार आशीष मिश्रा के लिए सर नोटिस भेजी, तो ये आप जिस पावर नहीं है हम सभी लोग। जी मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे उपस्थित यहाँ जो युवा हैं उन युवाओं से हमारी बात हुई, तो युवाओं ने जो है सरकार को लेकर के लग रही है मुर्दाबाद।